हाय फ्रेंड्स, मैं पूर्वा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एमपी सक्सेसर्स। और आज की इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ मैथ का इम्पोर्टेंट टॉपिक जो बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। और यहाँ पर हम देखेंगे कि चिन्हों के नियम, मैथमेटिक्स में जो चिन्ह होते हैं उनके जो नियम होते हैं उनको हम यहाँ पर देखेंगे कि कैसे जो साइन रूल्स हैं, मतलब साइन है जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीज़न, तो गुणा भाग जोड़ घटाना, तो इन साइनों को हम कैसे एडजस्ट करें और कहाँ पर कौन सा चिन्ह आएगा। इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है जब न्यूमेरिकल वगैरह सवाल आते हैं, और ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी आते हैं, साथ ही एंट्रेंस टेस्ट वगैरह में भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, और आपकी जो जनरल मैथ है उसमें भी आपको ये इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और ये कन्फ्यूजन हमेशा रहता है छोटे से बड़े तक भी, अगर इसका जो है आप क्लियर या जो सही तरीका है उसको, रूल को आपको ना पता हो, तो इनके जो सही तरीके या सही नियम हैं उनको हम यहाँ पर जानेंगे। तो फर्स्ट हम यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले कि चिन्हों के नियम या साइन रूल में सबसे पहले हम लेते हैं गुणा या मल्टीप्लाई में। तो अगर हमारे पास क्या है, मल्टीप्लाई में कोई दो नंबर्स हैं और उनका हमें गुणा करना है या मल्टीप्लाई करना है, तो उनके अगर जो साइन है वो डिफर हो या सेम हो, ठीक है, तो जो रिजल्टेंट है हमारा वो क्या आएगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहले गुणा या मल्टीप्लाई में चिन्हों के नियम में फर्स्ट है, बिल्कुल सिंपल है कि अगर हम प्लस गुणे प्लस का मल्टीप्लाई करें तो हमारा जो रिजल्टेंट आएगा वो प्लस के फॉर्म में ही आएगा। यानी कि जैसे प्लस में आपका कोई नंबर है प्लस फोर है, तो प्लस को हम कभी डिनोट नहीं करते हैं, माइनस को हम हमेशा डिनोट करते हैं अगर हमारा जो फर्स्ट डिजिट है वो सबसे पहले आता है तब, ठीक है। तो यहाँ पर हमने किया प्लस फोर मल्टीप्लाई का साइन मल्टीप्लाई का, और उसके बाद हम कर ले यहाँ पर प्लस, सपोज हमने फाइव ले लिया, तो हमारा जो रिजल्टेंट है ये क्या आएगा, फाइव फोर जा 20, तो ये किस में आएगा, हमारा प्लस 20 आएगा, लेकिन हम प्लस को क्या करेंगे यहाँ पर डिनोट नहीं करेंगे। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 4 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू 20, ठीक है। तो ये हमारा रिजल्टेंट आ गया। आप किसी भी बड़े नंबर को भी ले सकते हैं, ठीक है, जैसे 112 इंटू आप 6 ले लीजिए, ठीक है, तो 72 आ गया यहाँ पर। और ये साइन जो है ये प्लस का था, ये भी प्लस का था, क्योंकि कोई साइन अगर यहाँ नहीं लगे हैं तो हम इसको क्या मानते हैं, प्लस का, तो जो हमारा रिजल्टेंट है वो भी प्लस में आ जाता है, लेकिन हम प्लस को क्या करते हैं, डिनोट नहीं करते हैं। तो ये तो सभी को कॉमन है, सबको पता है, लेकिन उसके बाद हम यहाँ देखें अगर, तो यहाँ पर ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है, ठीक है, कि अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं दो नंबरों का, सपोज हम 4 × 5 ही ले लें, अगर हमने फर्स्ट डिजिट हमारी क्या है माइनस है, और इंटू में सेकेंड डिजिट भी हमारी क्या है माइनस है, तो हमारा जो रिजल्टेंट है ये क्या आएगा। तो नंबर का तो नंबर से मल्टीप्लाई होगा ही, तो 5 × 4 = 20, तो 20 तो आपका आएगा ही, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, आप साइन का मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस मल्टीप्लाई माइनस साइन आप करेंगे तो क्या होता है, यहाँ पर प्लस होता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, अगर दो नंबर्स आपके माइनस में हैं और उनका मल्टीप्लाई होता है तो रिजल्टेंट हमेशा किस्मा आपका आएगा प्लस में आता है, ठीक है। और कोई आप नंबर ले लें 13 × 13 ले लें आप, ठीक है, फर्स्ट डिजिट भी आपकी क्या है माइनस है, सेकंड डिजिट भी आपकी क्या है माइनस है, तो क्या आ गया 169, और माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस होता है, और डिजिट डिजिट का मल्टीप्लाई आप करेंगे तो 169 आ जाएगा। तो इस टाइप से आपको करना है कि पहले आपको जो है नंबर नंबर का मल्टीप्लाई कर लेना है, उसके बाद आपको साइन का मल्टीप्लाई, तो प्लस मल्टीप्लाई प्लस इक्वल प्लस, तो प्लस साइन आ गया, और डिजिट डिजिट 5 × 4 = 20, तो 20 आ गया, ठीक है। तो आपको जो नंबर जो आपके डिजिट का साइन है, ठीक है, जो आपके साइन है यहाँ पर उसको आपको कहाँ लिखना है, इक्वल के जस्ट बाद, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि हमें जो साइन है वो कहाँ लगाने हैं, तो जो नंबर स्टार्ट हो रहा है हमारा उस नंबर के सबसे यहाँ फर्स्ट पर, ठीक है, यानी कि वंस डिजिट से अगर आप स्टार्ट करते हैं तो आप लास्ट डिजिट मान सकते हैं, और अगर आप वन से काउंट करते हैं जैसे 169, तो आपको क्या करना है, सीधा याद रखना है सिंपल कि इक्वल के जस्ट आपको राइट साइड में, ठीक है, इक्वल के जस्ट राइट में आपको साइन का यूज़ हमेशा करना है अगर कोई भी नंबर मल्टीपल में है। तो प्लस साइन को हम डिनोट नहीं करते हैं, तो हमारा जो रिजल्टेंट है ये क्या आ जाएगा, यहाँ पर 169, यहाँ पर क्या आ जाएगा 20, यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा 72। इस टाइप से आपको क्या करना है, इन सवालों को सॉल्व करना है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं थर्ड रूल की। तो थर्ड रूल में हमारा क्या है यहाँ पर जो चिन्हों के नियम में, कि अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं प्लस मल्टीप्लाई माइनस, तो आपका जो रिजल्टेंट है ये हमेशा क्या आएगा, माइनस आएगा। अगर आपको इस टाइप से दिया हुआ है कि फर्स्ट डिजिट प्लस में है और सेकंड डिजिट माइनस में है, तब भी आपका जो रिजल्टेंट है ये क्या आएगा, माइनस ही आएगा, क्योंकि प्लस का मल्टीप्लाई अगर माइनस में आप कभी भी करते हैं तो हमेशा जो रिजल्टेंट है ये आपका क्या आता है, माइनस।
इस टाइप से आपको इन सवालों को करना होगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम देख लेते हैं, सपोज यही हम ले लें 4 × 5, तो फर्स्ट हमने ले लिया कि -4 × +5, तो हमारा रिजल्टेंट क्या आया, 5 × 4 जा पहले तो 20 आ जाएगा, उसके बाद क्या आएगा हमारा साइन का मल्टीप्लाई, तो प्लस मल्टीप्लाई माइनस या माइनस मल्टीप्लाई प्लस, तो हमारा दोनों में ही रिजल्टेंट क्या आएगा माइनस, तो माइनस का 20 जो है ये हमारा आंसर यहाँ पर होगा। सपोज हम यहाँ पर अब दूसरी डिजिट ले लें, तो यहाँ पर अगर हम ले लें आप सपोज 11 लेते हैं प्लस का और मल्टीप्लाई में माइनस लेते हैं 2, ठीक है, तो आपका क्या आएगा नंबर का मल्टीप्लाई 11 × 2 या 2 × 11 तो क्या आ जाएगा 22, और साइन का मल्टीप्लाई तो प्लस का मल्टीप्लाई माइनस का मल्टीप्लाई प्लस में या प्लस का मल्टीप्लाई माइनस में। मोस्टली हम जो मल्टीप्लाई करते हैं वो हम क्या करते हैं राइट साइड से हम लेफ्ट साइड में जाते हैं, तो आप ऐसे ही देख लीजिए माइनस का मल्टीप्लाई प्लस में तो क्या आएगा हमारा माइनस आएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाता है मल्टीप्लाई में। ये आपको रूल याद रखनी है, किसके रूल हैं, तो ये गुणा में रूल हैं इनके, मल्टीप्लिकेशन में चिन्हों के रूल हैं प्लस माइनस के, ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर देखना है। तो इसकी जो 3 कंडीशन है ये मैंने यहाँ पर आपको बता दी कि अगर प्लस प्लस आता है तो प्लस होगा, प्लस माइनस 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 आता है तो प्लस, और अगर प्लस माइनस आता है तो आपका क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो ये रूल हमने किस में देखे, गुणा में देखे, अब हम आगे किस में देख लेंगे, भाग में भी देख लेंगे, फिर हम एडिशन यानी प्लस में भी देखेंगे, जोड़ में, फिर घटाने में भी इन साइनों के रूल हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो आप लोग इतना नोट कीजिए जब तक मैं आगे के आप लोगों को यहाँ पर बताऊँगी। और आप लोगों को अगर कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। यहाँ पर अब हम देखेंगे भाग यानी डिवीजन, अब हम यहाँ पर डिवीजन में यही रूल देखेंगे, तो ये हमारा कौन सा हो गया सेकंड, यहाँ पर हम सेकंड किस पे करेंगे भाग में, भाग में जो रूल होंगे वो आपके क्या होंगे, तो यहाँ पर हम उनको देखते हैं। ये रूल आपके हमेशा क्या होंगे काम में आएंगे। यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर इसका अगर हम फर्स्ट रूल देखें तो इसमें भी यही रूल है डिवीजन में कि अगर आपके पास कोई नंबर है सपोज ऊपर आपका प्लस है, ठीक है, और नीचे डिवाइड, मतलब क्या होता है कि आप रेशियो में ऐसे लिख सकते हैं, तो आपका जो रिजल्टेंट है वो किस में आएगा प्लस में। फिर सेकंड आपका क्या होगा कि अगर ऊपर आपका प्लस है और नीचे माइनस है तो आपका जो रिजल्टेंट है किस में आएगा, तो ये हमेशा क्या आएगा माइनस में, ठीक है, सॉरी यहाँ पर आपको माइनस माइनस ले लेना है, यहाँ पर सेकेंड रूल में माइनस माइनस है तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस। थर्ड रूल में इसमें क्या है कि अगर ऊपर प्लस है और नीचे माइनस है आपका, तो आपका क्या आएगा रिजल्टेंट माइनस, और अगर आपका ऊपर माइनस है साइन और नीचे प्लस साइन है तब भी आपका जो रिजल्टेंट है ये क्या आएगा माइनस में आएगा। तो इस टाइप से आपके ये रूल रहेंगे डिवीजन के, ठीक है, डिवाइजिबिलिटी रूल में ये आपका रहेगा भाग देने में, चिन्हों के नियम के, चिन्ह हमारा कौन सा यहाँ पर या साइन कौन सा आएगा। सपोज आप करते हैं, मैं बिल्कुल सिंपल ले लेती हूँ कि प्लस का 4 है प्लस का 2 है, तो 2 × 2 जा हमारा क्या हो जाएगा 4, तो 2 हमारा रिजल्टेंट आएगा और दोनों प्लस में है तो प्लस साइन, प्लस साइन को हम डिनोट नहीं करते हैं, तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा 2। ऐसे आप कितने भी कर सकते हैं साथ में, अब जैसे माइनस में है, यहाँ पर हम अगर -4 ले लें या -2 ले लें तो क्या होता है ऊपर नीचे से साइन जो है वो कट जाते हैं, सामने से भी साइन कट जाते हैं, सपोज यहाँ लिखा हुआ है -4, यहाँ लिखा हुआ है -8 × 2, तो ये मल्टीपल में है और ये आपका जो है सपोज वेरिएबल और कांस्टेंट के टर्म में है, तो भी आप साइन यहाँ से काट सकते हैं, लेकिन तब जब ये मल्टीपल में, क्योंकि आप इसको पहले लिख सकते हैं 8 × 2 = 16, यहाँ माइनस और यहाँ पे है -4x, तो आप इसको ऐसे लेकर आ सकते हैं कि -16 और डिवाइड बाय -4, तो माइनस से माइनस साइन कट जाएगा और 4 × 4 जा क्या आ जाएगा 16, तो हमारा रिजल्टेंट यहाँ x की वैल्यू क्या आ गई 4। इस टाइप के क्वेश्चन आपके आते हैं, ये क्वेश्चन आपको जो RS अग्रवाल की बुक है आप उसमें देखेंगे, तो ये जो हैं ये नंबर्स की आपको इस टाइप के सवाल जो हैं वो आपको मिल जाएंगे, ठीक है।
तो आर एस अग्रवाल में ये ढेरों सवाल पड़े हुए हैं, आप इनको कर लेना। ऐसे सिक्वेंस भी ऐसे लिखे हुए हैं जैसे 7, 8, 2, -3, 4, 1, फिर प्लस में कोई नंबर लिखा हुआ है 1, 2, 3, फिर इक्वल में यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक्स या क्वेश्चन मार्क यहाँ पर लगा रहता है, फिर लिखा हुआ कि माइनस में 3, 2, 1, ऐसे कुछ भी आपको लिखा रहेगा तो आपको इन्हीं चिन्हों का जो है इस्तेमाल करना है या यूज़ करना है। मल्टीपल में भी ऐसे दे देते हैं 324 × 2, 1, 3, ठीक है। यहाँ पे फिर डिवाइड भी दे दे बीच में कि 1, 2, 3, कुछ भी ऐसे दे दे, और इक्वल में फिर यहाँ पर प्लस क्वेश्चन मार्क लगा दे, फिर इक्वल में कुछ भी। तो इस टाइप से आपको जो है चिन्हों का ध्यान रखना है कि कौन प्लस में है, कौन कौन से माइनस में है। अब हम यहाँ पर जो है बात करेंगे, तो आपने ये यहाँ पर देखा तो आपके माइनस से माइनस साइन यहाँ पर कट जाएंगे, या फिर आप डायरेक्ट इसको नहीं भी काटते हैं तब भी आप 2, 2 जा 4, तो 2 यहाँ आ गया और प्लस का साइन रखें, क्योंकि माइनस से माइनस साइन हट जाता है या आउट हो जाता है अगर आपका ये क्या हो, डिवीज़न में हो आपके नंबर्स। ये आपको याद रखना है, आप कन्फ्यूज मत होना कि आप एक दूसरे का दूसरे में काट दो चेंज तो आपका जो है गलत हो जाए, तो ये चांसेस नहीं रखने हैं। आपको सबके रूल लिख लेने हैं कि गुणा के क्या हैं, भाग के क्या हैं। इसी टाइप से अब हम यहाँ पर बात करेंगे, तो अब हम थोड़ा जल्दी जल्दी देख लेते हैं, ठीक है, ताकि आप लोग बोर ना हो। यहाँ पर हम बात करेंगे प्लस माइनस की, तो आपको सिंपली क्या करना है, प्लस और माइनस में सपोज यहाँ है आपका प्लस का 4 और नीचे है माइनस का 2, तो क्या आएगा, 2, 2 जा 4 तो आना ही है, लेकिन प्लस और माइनस आपका क्या है, एक साइन आपका माइनस का है, तो आपका माइनस हमेशा यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। प्लस माइनस में माइनस का साइन मतलब आप माइनस का साइन लेंगे, ठीक है, माइनस का साइन छोटा होता है क्योंकि सब्ट्रैक्शन होता है, प्लस का साइन बड़ा, लेकिन क्या है, प्लस माइनस का अगर 2 साइन है तो डिवीज़न में है, तो आप हमेशा क्या लेंगे, माइनस साइन लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे अगर माइनस 4 होता और नीचे हमारा 2 होता, तो 2, 2 जा 4 तो हमारा आता ही, और उसके साथ ही क्या आता, माइनस का साइन, क्योंकि माइनस प्लस में आपका क्या आएगा, डिवीज़न में माइनस आएगा अगर 2 साइन डिफर है डिवीज़न में, ठीक है, तो हमेशा क्या आएगा, माइनस का साइन अगर है और एक प्लस में, तो माइनस का साइन ही हमेशा हम यहाँ पर लगाएंगे। तो इस टाइप से आपको ये जो है सवालों को ऐसे आपको सॉल्व यहाँ पर करना है। अब हम यहाँ पे किसके रूल देख लें, तो हम यहाँ पर किसके रूल देख लें, एडिशन के देख लें हम यहाँ पर, ठीक है। तो हम यहाँ पर अब किसके रूल देखेंगे, एडिशन के, तो यहाँ पर थर्ड आप डाल लेना, थर्ड रूल आप किसका देख लेंगे, यहाँ जोड़ या एडिशन का, इनके रूल हम देखेंगे कि इनके रूल क्या होंगे, अगर 2 नंबर क्या हों, ऐड हो रहे हों, 2 नंबर आपके सब्ट्रैक्ट हो रहे हों, या 2 नंबर प्लस माइनस हो रहा हो, इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है आपका डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन में, तो फिर भी जो साइन का नियम है, रूल है, वो इजी है, लेकिन प्लस माइनस में थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है अगर आपके पास 2-3 नंबर्स आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि क्या आपको करना है, तो एडिशन में आपको क्या करना है कि अगर आपका प्लस, ठीक है, सॉरी, यहाँ पर आपको क्या करना है, अगर प्लस फिर प्लस और फिर प्लस है, तो आपका जो रिजल्टेंट है वो क्या आएगा, प्लस आएगा होगा। अगर आपके पास क्या है, माइनस प्लस और फिर माइनस है, तो आपका जो रिजल्टेंट है वो क्या होगा, यहाँ पर आपका रिजल्टेंट माइनस होगा, ठीक है। और अब हम यहाँ पे बात करें कि यहाँ पर क्या होगा, माइनस प्लस प्लस, तो आपका रिजल्टेंट क्या होगा, ये बताता है कि इन दोनों में थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है। अगर आपका जो है एक प्लस में एक माइनस में है, लेकिन आपकी जो डिजिट है ये डिजिट पर डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन डिजिट, डिजिट्स, या फिर आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, नंबर्स, नंबर्स पर डिपेंड करता है, कि इसमें भी आपके 2 रूल हैं, या तो आप पहले माइनस लगा सकते हैं, फिर प्लस, फिर माइनस साइन लगा सकते हैं। तो इसमें आपका क्या है, दोनों साइन आ सकते हैं, प्लस माइनस दोनों, ठीक है। तो अब आप कैसे पहचानेंगे, तो ये डिपेंड करता है आपके नंबर्स पर, कि आपका जो जिसके साथ साइन लगा हुआ है वो नंबर अगर बड़ा है, माइनस साइन के साथ जो नंबर लगा हुआ है अगर वो बड़ा है आपके प्लस साइन के जो नंबर लिखा हुआ है उससे, तो आपका हमेशा क्या आएगा, माइनस साइन आएगा, ठीक है। और अगर आपका प्लस का साइन बड़ा रहेगा माइनस के साइन वाले नंबर से, तो आपका हमेशा क्या आएगा, माइनस। अभी मैं इसको एग्जांपल के थ्रू बता दूंगी, तो आपका क्लियर हो जाएगा। सबसे कंफ्यूजिंग यही है, तो आपको इसी को बहुत अच्छे से याद रखना है ताकि आपकी जो गलतियां हैं वो ना हों। यहाँ पर हम बात करेंगे, सपोज प्लस प्लस 2 नंबर है, तो हमने यहाँ पर यही ले लिया, 4 + 5 लें, तो प्लस 5 और प्लस का 4 है, तो हमारा क्या आएगा, प्लस का 9 आएगा, तो प्लस तो हम लिखते नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, 9 डायरेक्ट हमारा आंसर, क्योंकि अगर कोई भी साइन नहीं है तो आपका हमेशा प्लस साइन इसमें रहेगा, इसलिए हम प्लस को डिनोट नहीं करते हैं ऐसे नंबर्स में, ठीक है। यहाँ हम प्लस का साइन लगाएंगे क्योंकि तभी हमें पता चलेगा कि 5 + 4 कितना होगा, 9,
तो ये हमारा क्या हो गया 9। अब हम यहाँ पर क्या करें, यहाँ पर अब हम ये आपने देख लिया, अब हम यहाँ पर माइनस माइनस वाला देखेंगे। यहाँ पर माइनस 4 है, यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस 5 है, यहाँ पर क्या आएगा। तो अब आपको पता है 5 प्लस 4 तो 9 होता है, तो 9 तो हमने लिख लिया, ठीक है। अब हम क्या करें, साइन कौन सा लगाएं, तो इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है। तो आपको क्या करना है, आपको पता है कि माइनस में 4 है, माइनस में 5 है, तो हमेशा हम क्या करेंगे, माइनस साइन ही लगाएंगे। इसको ऐसे लिखा हुआ है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस 4 और यहाँ पर क्या है, प्लस और माइनस दोनों दो साइन है एक साथ, ठीक है। लेकिन ये ब्रैकेट लगा हुआ है, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे अगर कुछ नहीं हो तो मल्टीप्लाई मानते हैं, तो प्लस का मल्टीप्लाई माइनस में। तो आपने ये वाली आइडेंटिटी फर्स्ट में देख चुके हैं आप कि प्लस का मल्टीप्लाई माइनस में हो तो हमेशा क्या आता है, माइनस आता है। तो इसलिए हमारा यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस 5। अब क्या होगा, हमारे पास माइनस माइनस के दो हैं, तो अगर हमारे पास दो नंबर्स माइनस माइनस में हैं तो उनका क्या होता है, एडिशन हो जाता है। तो हमने क्या किया, 5 प्लस 4 कर दिया, लेकिन जो साइन है वो हम किससे देखते हैं, बड़ी डिजिट से। तो हमारी बड़ी डिजिट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर माइनस का 5 है, तो हम क्या करेंगे, माइनस का यहाँ पर साइन लगा देंगे, ठीक है। लेकिन एक और है कि आपके यहाँ पर दो साइन है माइनस के, तो आप क्या करते हैं, दोनों को ऐड कर देते हैं और साइन क्या करेंगे, आप हमेशा माइनस का ही लगाएंगे। जब भी आपके पास दो नंबर माइनस में, सपोज यहाँ पर लिखा हुआ है माइनस 3 और माइनस 8, ठीक है, तो 8 3 क्या हो गया, 11, लेकिन आप साइन किसका लगाएंगे, माइनस का। क्यों, क्योंकि आपकी दोनों में आप कंपेयर करें अगर, तो माइनस की जो डिजिट है वो बड़ी है, तो इस हिसाब से भी आपका एक माइनस आ गया। और अगर आपकी जो है यहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं कि दो नंबर्स माइनस में है तो इनका हम करेंगे तो एडिशन, लेकिन साइन का अगर आप देखें तो साइन हमेशा माइनस में ही हम लेंगे, ठीक है। तो ये जो रूल है आप इस रूल से याद रख सकते हैं कि दो साइन अगर माइनस माइनस के हैं तो हमेशा हमारा रिजल्टेंट क्या आएगा, माइनस में ही आएगा। तो हम इसको माइनस साइन, साइन हमेशा माइनस में आएगा, लेकिन अगर दो डिजिट जो हैं वो आपके माइनस में हैं तो ये हमेशा क्या होगा, इनका ऐड होगा। अगर बीच में आपका प्लस लगा हुआ है या फिर डायरेक्ट आपका ऐसे लिखा हुआ है, सपोज -1 -1 लिखा हुआ है, तो अब इनमें तो हम कंपेयर नहीं कर सकते ना कौन सी बड़ी है, तो साइन तो माइनस का ही आएगा, लेकिन ये दोनों क्या होंगे, ऐड होंगे, तो 2 हो जाएगा। नंबर नंबर का ऐड होगा और साइन साइन में हम क्या करेंगे, माइनस का साइन लगाएंगे अगर माइनस माइनस में दो नंबर्स हमारे पास हैं। ये सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग ये भी है थोड़ा सा कि माइनस माइनस के अगर दो हमारे पास नंबर हैं तो उनमें क्या होगा, तो हमेशा साइन क्या आएगा, माइनस का ही आएगा। ऐसे ही प्लस, दो प्लस प्लस के हैं तो प्लस का साइन आएगा, ठीक है, प्लस वाले के लिए है ये, एडिशन के लिए। अब यहाँ पर हम बात करेंगे इसकी, तो ये जो है इसमें हम कैसे करेंगे इनको, तो ये आपको यहाँ पर देखना होगा। यहाँ पर क्या है आपका, यहाँ पर हम कोई नंबर ही ले लेते हैं, यहाँ पर इसमें भी हम 4 + 5 ले लेते, तो माइनस का 4 ले लेते हैं, प्लस 5 ले लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, माइनस का 4 है हमारे पास और प्लस का 5 है, तो 5 + 4 हमारा कितना होता है, तो ये होता है हमारा, ये हमारा कितना होगा, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारा जो रिजल्टेंट है वो कितना आता है, प्लस का 1 आता है। इसमें कैसे आएगा, तो आप इसको एडिशन सब्ट्रैक्शन सबको आते हैं, 5 को ऊपर लिखो, माइनस 4 यहाँ पर लिखो, 5 में से 4 सब्ट्रैक्ट करो, 1 आया। और ये प्लस का 1 क्यों आएगा, क्योंकि मैंने आपको यहाँ पर बताया है डिपेंड ऑन डिजिट्स या नंबर्स, नंबर पर हम डिपेंड करता है कि साइन कौन सा आएगा इसमें। अगर आपकी जो डिजिट है वो प्लस माइनस की जो है बड़ी है तो साइन माइनस का आएगा, और अगर प्लस की बड़ी है तो प्लस का साइन आएगा। तो यहाँ पर हमने देखा 5 और 4 में, एक प्लस में एक माइनस में, लेकिन प्लस का 5 बड़ा है तो साइन किसका आएगा, यहाँ पर प्लस का, लेकिन प्लस माइनस है अगर, तो हमेशा क्या होगा, सब्ट्रैक्शन होगा डिजिट्स का, जो नंबर्स हैं उनका सब्ट्रैक्शन होगा, कि 5 एक प्लस में एक माइनस में, तो घटाना तो हमें हमेशा रहेगा ही, ठीक है। 5 में से 4 को घटाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 1, लेकिन जो साइन है वो हम किससे देखते हैं, तो प्लस और माइनस से, तो प्लस की संख्या बड़ी है कि माइनस की, तो यहाँ पर प्लस की संख्या यानी प्लस 5 बड़ा है माइनस 4 से, तो हम प्लस का यहाँ पर जो है साइन लगा देंगे। तो प्लस का साइन लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो हमारा रिजल्टेंट 1 आ जाएगा, ठीक है। इसमें आप बहुत अच्छे या क्लियर तरीके से इसको समझ लेना। यहाँ पर अब हम बात करेंगे, ये हमेशा आपके काम में आने वाले हैं, आपको ये जो ये रूल्स हैं आपको फर्स्ट क्लास से, ठीक है, आपको फर्स्ट क्लास से लेकर और जब तक आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम तक, एंट्रेंस टेस्ट सभी में आपके पूरे होल लाइफ आप समझ लीजिए काम में आने वाले हैं, ठीक है, हमेशा आपको इनकी ज़रूरत पड़ सकती है। तो यहाँ पर अब हम बात करेंगे कि डिजिट्स में, यहाँ पर अगर हम बात करें प्लस और माइनस की, तो यहाँ पर क्या है, अब हम प्लस वाला साइन ले लें, तो हमने सपोज़ यहाँ पर 4 प्लस का ले लिया और फिर प्लस फिर माइनस का 5 ले लिया, ठीक है। तो अब हमारा क्या होगा यहाँ पर रिजल्टेंट, तो हम क्या करें, यहाँ पर
प्लस फोर को फोर लिखा, प्लस और माइनस में अगर आप यहाँ देखें तो कुछ नहीं है, तो मल्टीप्लाई होता है, तो प्लस माइनस का मल्टीप्लाई में माइनस आता है, प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई, ये रूल मैं आपको बता चुकी हूँ। तो फाइव माइनस फोर क्या होगा आपका, वन तो आएगा ही कि फाइव में से फोर सबट्रैक्ट किया, क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का, दो अपोजिट साइन है, तो हमेशा अगर माइनस है एक प्लस में एक माइनस में तो आप माइनस ही करेंगे नंबरों का, ठीक है। नंबरों में फाइव में से फोर सबट्रैक्ट किया तो वन आ गया, लेकिन अब यहाँ पे देखेंगे तो प्लस का फोर छोटा है, मतलब कि प्लस का फोर है और माइनस का फाइव, तो जो नंबर है फाइव ये क्या है हमारा, बड़ा है, और पाँच हमारा चार से बड़ा होता है, तो पाँच के साथ कौन सा साइन है, माइनस का है, तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, माइनस, ठीक है। तो ये दोनों में आपको कभी कंफ्यूज नहीं होना है, एक बार मैं और क्लियर तरीके से आपको इसमें बता देती हूँ। जैसे यहाँ पर हमने लिया माइनस फोर और प्लस प्लस फाइव, तो हमारा जो रिजल्टेंट है क्या आएगा, माइनस फोर प्लस फाइव, तो पाँच में से हम चार को क्या करेंगे, सबट्रैक्ट, क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का, तो माइनस तो होना ही है, अगर दो साइन डिफर हैं एक प्लस एक माइनस तो माइनस ही करेंगे, तो पाँच में से चार करा तो एक आया, लेकिन साइन हमें देखना है प्लस का लगा है कि माइनस का, तो पाँच के साथ प्लस लगा हुआ है और चार से बड़ा है पाँच, तो हम क्या करेंगे, प्लस का साइन तो हम लगाते नहीं, तो वन हम लिख सकते हैं, और ठीक है। यहाँ पर हमने क्या किया, प्लस का फोर लिया और प्लस फिर माइनस का यहाँ पर हमने फाइव लिया, तो यहाँ पर हमारा क्या है, प्लस का फोर आ गया और प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस होता है, तो माइनस का फाइव आ गया। अब फाइव में से फोर तो हम सबट्रैक्ट करेंगे तो वन आ जाएगा, लेकिन साइन कौन सा रखें ये कन्फ्यूजन है। तो यहाँ देखिए पाँच आपका बड़ा नंबर है और पाँच के साथ यहाँ पर क्या है, माइनस साइन, तो यहाँ पर क्या आएगा आपका, माइनस वन, और माइनस वन को माइनस वन ही लिखेंगे हम, साइन नहीं हटा सकते, लेकिन प्लस का साइन हम लगाएं ना लगाएं बराबर है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा यहाँ पर रिजल्टेंट में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, हमारा प्लस का फाइव था, तो फिर हमारा प्लस में रिजल्टेंट आया, क्योंकि प्लस का फाइव बड़ा, मतलब प्लस जो नंबर है प्लस के साथ वो बड़ा है, और यहाँ पे प्लस के साथ जो नंबर है वो क्या है, वो छोटा है पाँच से, तो चार क्या है, छोटा है पाँच से, तो पाँच के साथ, पाँच हमारा चार से बड़ा है और पाँच के साथ जो नंबर है वो माइनस में, इसलिए माइनस साइन यहाँ पर आएगा। तो इस टाइप से ये आपको करने होंगे, ये रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस टाइप से आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है इसके प्लस माइनस में, तो दोनों साइन आप इसमें लगाएंगे, वो डिपेंड करता है नंबर पर, कि अगर हमारा नंबर जो है प्लस में है, ठीक है, मतलब हमारा ग्रेटर नंबर अगर प्लस में है तो प्लस साइन आएगा, और स्मॉलर नंबर अगर जो है, अगर हमारा ग्रेटर नंबर माइनस में है तो माइनस का साइन यहाँ पर आएगा, ठीक है। अब हम कौन सी यहाँ पर बात कर लें, अब हम यहाँ पर एडिशन सब्ट्रैक्शन, अब हमारा क्या बचा है, सॉरी सब्ट्रैक्शन या घटाना, जो घटाने के रूल हैं वो हम यहाँ पर देखेंगे। सब्ट्रैक्शन के रूल, तो सब्ट्रैक्शन के रूल यहाँ पर क्या होने वाले हैं वो हम यहाँ पर देख लेंगे अब। तो सब्ट्रैक्शन में भी आपको इसी टाइप के रूल मिलेंगे, ये भी इम्पोर्टेंट है, बस इसके बाद हमारे जो साइन है वो ये पूरे कंप्लीट हो जाएंगे, फिर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी किसी भी प्रकार की न्यूमेरिकल्स में। आप लोग आर एस अग्रवाल की बुक परचेज कर लें, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में आती है, तो उसमें क्या होगा, आपको ये बेनिफिट रहेगा कि आपको जो ढेर सारी एक्सरसाइज है वो आपको सवाल वहाँ पर मिल जाएंगे, तो आप उनसे सॉल्व करके ये देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो नियम्स हैं, ये रूल हैं, इन पर जो डिपेंड क्वेश्चन है वो आपको वहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर अब हम बात करेंगे घटाने की, तो इसमें ये है कि हमारे पास अगर प्लस साइन है, फिर यहाँ सबट्रैक्शन है, फिर प्लस साइन है, तो हमारा रिजल्टेंट क्या आएगा, ठीक है। तो हमारा रिजल्टेंट आपका, जैसे इसमें भी वही रूल है कि आपके यहाँ पर प्लस माइनस दोनों आ सकते हैं, वो डिपेंड करता है नंबर पर, ठीक है, कि आपका जो नंबर है वो कैसा है। डिपेंड ऑन नंबर्स, नंबर्स पर डिपेंड करता है कि हमने जो नंबर लिखे हैं वो माइनस वाला जो है, मतलब कि लास्ट माइनस वाला बड़ा है या प्लस वाला बड़ा है, उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। अब सेकंड हमारा क्या है यहाँ पर, कि फर्स्ट डिजिट प्लस है, फिर माइनस है, फिर माइनस है, ठीक है। तो इसमें हमेशा हमारा जो है ये क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट, और इनका समेशन क्या होगा, ठीक है। तो अगर हमारे पास सपोज यहाँ पर पहले हम एक एक रूल इसके देखते जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने देखा कि पहला हमारा प्लस है, तो प्लस का टू अगर हम ले लें, फिर माइनस, फिर हम यहाँ पर क्या ले लें, प्लस का यहाँ पर हम थ्री ले लें, ठीक है। तो प्लस का थ्री, तो हमारा रिजल्टेंट क्या आएगा, प्लस का टू टू रहेगा, माइनस प्लस का मल्टीप्लाई यहाँ पर होगा, क्योंकि यहाँ कुछ कोई भी साइन नहीं है। तो हम क्या करते हैं, जब दो साइन हो तो एक साथ, तो इनका क्या हो जाता है, मल्टीपल हो जाता है, तो प्लस माइनस का माइनस आपका साइन यहाँ पर आएगा और यहाँ पर थ्री।
तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर साइन तो माइनस का है तो सब्ट्रैक्ट होगा, तो 3 में से 2 तो बन तो आएगा ही। अब आप यहाँ पर ये देखेंगे कि जो माइनस, ये प्लस का 2 है, माइनस का 3 है, तो साइन आपका जो है 3 नंबर बड़ा है और उसके साथ साइन किसका है, माइनस का, तो माइनस आ जाएगा। ठीक है, अगर आपका ऐसा होता है कि आपका नंबर लिखा हुआ है 3+3 -2, ठीक है, सॉरी यहाँ पर प्लस का 2, हाँ, तो फिर आपका रिजल्टेंट क्या आएगा, 3 माइनस प्लस का मल्टीप्लाई करेंगे आप तो क्या आ जाएगा, माइनस और ये 2, तो 3 में से 2 सबट्रैक्ट करा तो 1 आया और प्लस का 3 है हमारे पास, तो साइन किसका आएगा, प्लस का, प्लस के साइन को हम लिखते नहीं, तो इक्वल टू हमारा 1 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से आप इसको लिख सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि प्लस माइनस आपका नंबर पर डिपेंड करेगा, कि अगर आपका जो नंबर है वो कैसा आपका नंबर यहाँ पर आ रहा है। ठीक, अगर आपका पहले जो नंबर है वो अगर प्लस में है और दूसरा माइनस में, तो आपका माइनस साइन आ जाएगा, बड़ा है अगर दूसरा नंबर, और अगर दूसरा नंबर आपका जो है प्लस साइन वाला बड़ा नंबर है तो प्लस साइन आ जाएगा और सब्ट्रैक्शन तो होगा ही। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करेंगे प्लस, यहाँ पर हम बात कर लेते हैं माइनस माइनस वाले की, माइनस माइनस माइनस, अगर तीनों साइन माइनस हैं, ठीक है, तो आपका क्या होगा इसमें, इसमें भी आपका वही रूल है कि आपका प्लस माइनस हो जाएगा यहाँ पर। क्यों हो जाएगा वो मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ, ठीक है, क्योंकि वो डिपेंड करता है साइन पर, तो इसके थोड़े से अटपटे रूल है, ये आप ना भी याद रखें तो आप जो प्रीवियस सीख चुके हैं उससे आप कर सकते हैं। सपोज यहाँ पर क्या है, माइनस 2 है, फिर ये माइनस साइन है, फिर यहाँ पर क्या है, माइनस का 3 है। ठीक, तो अब हमारा क्या आएगा, माइनस का 2, और माइनस माइनस का मल्टीप्लाई क्या होता है, यहाँ पर जो है दो साइन एक साथ हैं तो बीच में कोई नंबर नहीं है, तो हम क्या करेंगे इनका मल्टीप्लाई करके, तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, और प्लस का 3, तो ये हमारा इस टाइप से बन जाएगा -2+3। तो अब एक साइन प्लस का एक माइनस का तो सब्ट्रैक्शन तो होना ही है, ये बड़ा छोटा हम उसमें तब नहीं देखते, हम क्या करते हैं, एक प्लस एक माइनस है तो सब्ट्रैक्शन तो 100% कन्फर्म है, तो 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट करा, बन तो आएगा ही। अब साइन हम देखेंगे तो 3 नंबर हमारा बड़ा है और 3 के साथ प्लस का साइन है, तो हम क्या साइन यूज़ करेंगे, प्लस, इक्वल में बन हमारा आ जाएगा। अगर हम ऐसे लेते कि माइनस, इसमें जो है आपका, हाँ, अगर हम यहाँ पे लेते हैं -5 और माइनस, और माइनस का 2 ले लेते हैं, ठीक है, तो क्या होता है यहाँ पर, माइनस हमारा 5 हो जाता और माइनस माइनस हमारा क्या साइन हो जाता है यहाँ पर, प्लस, और उसके बाद 2 हम यहाँ पर लिखते, तो अब यहाँ पर सब्ट्रैक्शन तो होगा ही, एक प्लस एक माइनस साइन है तो 3 आ गया, और जो साइन है वो आप देखिए तो 5 हमारा ग्रेटर नंबर है, उसके साथ क्या है, माइनस का साइन, तो हमारे यहाँ पर रिजल्टेंट क्या आएगा, -3, तो -3 को तो हम -3 ही लिखेंगे। ठीक है, तो इस टाइप से आपका ये आंसर -3 हो गया, ये +1 हो गया, तो इसमें क्या है, दोनों साइन आ सकते हैं आपके सब्ट्रैक्शन वाले रूल में, चाहे आपका पहले दो नंबर प्लस में हो, दोनों नंबर सब्ट्रैक्शन में हो, अब एक प्लस एक एडिशन एक सब्ट्रैक्शन में हो, तब भी आपके क्या आएंगे नंबर, इसी टाइप से आएंगे, सपोज माइनस माइनस और यहाँ पर हम क्या लिख लें, प्लस में, ठीक है, तब भी आपके यही रूल आएंगे, और यहाँ पर प्लस है फिर माइनस है फिर आपका क्या है, माइनस है, तब भी आपके ये रूल जो है ये प्लस माइनस में ही रहेंगे, दोनों में से एक कोई साइन यहाँ पर आ जाएगा, इसका मतलब ये है, ठीक है, कि दोनों साइन यहाँ पर आ सकते हैं, दोनों में से कोई आपका यहाँ पर साइन आ सकता है, तो वो डिपेंड करता है कि आपका नंबर कैसा है। ठीक है, तो माइनस में हमेशा नंबर पर आपको कमांड मनानी है कि हमारा कौन सा नंबर बड़ा है, कौन सा छोटा है। सपोज हमने ले लिया -6 -+4, तो हमारा रिजल्टेंट क्या आया, -6, इसको हम ऐसे कर लेते हैं एक सेकंड, दो ब्लॉक बनाकर, ठीक है, -6 -, और यहाँ पे हम ले लें +4, और यहाँ पे हम ले लें क्या, प्लस का 4 हम पहले ले लें, या प्लस का 6 ही आप ले लो, ठीक है, प्लस का 6 -4, ठीक है, तो आपका रिजल्टेंट क्या आएगा, तो यहाँ पर क्या है, -6 - प्लस का मल्टीप्लाई माइनस, और यहाँ आके 4 यहाँ पर आएगा, 6 ये हमारा प्लस का है तो साइन लगाने की ज़रूरत नहीं है, और माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, तो ये हो जाएगा 4। यहाँ पर क्या हुआ, माइनस का 6 है, माइनस का 4, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, अब जब दो साइन माइनस के हैं तो हमारा क्या होगा, नंबर का एडिशन, ठीक है, और यहाँ पर तो एक ही साइन है प्लस का, तो प्लस ही होगा, तो 6 + 4 हमारा आ गया 10। लेकिन अब हम क्या देखेंगे कि अगर दो साइन माइनस माइनस में है तो एक माइनस आएगा, या फिर आप ऐसे देख सकते हैं कि -6 बड़ा है तो माइनस का साइन यहाँ पर आ गया। लेकिन यूजुअली मतलब ज़्यादातर आप ऐसे ही देखेंगे इस रूल के लिए कि माइनस माइनस के दो साइन है तो उनका एडिशन होगा नंबर का और साइन माइनस का आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी वही है, 6 + 4 क्या आ गया, 10 आ गया, लेकिन हमारा जो साइन है वो किसका आएगा, प्लस का आएगा,
तो प्लस के साइन को हम लिखते नहीं हैं, तो हम यहाँ पर 10 बस हमारा रिजल्टेंट या आंसर आ जाएगा। इस टाइप से आपको इनको करना होगा। और इसमें और भी आपके रूल आ सकते हैं इसमें, ठीक है। तो ये तीन रूल जो है ये मेन है। तो इस टाइप से आपके जो है मैंने आपको 12 रूल्स बता दिए हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन के। तो ये आपको रूल हमेशा याद रखने हैं, जितने भी रूल मैंने आपको बताए हैं बहुत काम में आने वाले हैं। इस पर बेस्ड जो एक्सरसाइज है वो आप आर एस अग्रवाल में देख सकते हैं, एप्टीट्यूड की बुक में, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप लोग फीडबैक भी दे सकते हैं कि मैं किस टाइप से पढ़ा रही हूँ, क्या इम्प्रूवमेंट मैं इसमें कर सकूँ, ताकि जो है वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और उनको भी इस जो मेथड्स हैं न्यू और जो ये पूरी मैथमेटिक्स है वो आसानी से वो लोग सीख सकें। थैंक यू।